अयोध्या के नए राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता कब अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। राम की नगरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चला है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर वो कब अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर का प्रबंधन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है और इस ट्रस्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने की थी। ट्रस्ट ही मंदिर निर्माण की निगरानी भी कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन यानी कि 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट ने बताया कि 22 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि अगले दिन से ही भगवान श्री राम के कपाट उनके लिए खोलेंगे। किसी भी मंदिर में पूजा का तय समय होता है और ऐसे में आपको भी बताते हैं कि अयोध्या के मंदिर में रामलला की पूजा का समय क्या रहने वाला है और आम भक्त किस समय में रामलला के दर्शन पूजन कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक खुला रहेगा। वहीं इसके बाद 2 बजे से 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खुले रहेंगे। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग और विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। श्री राम मंदिर में रामलला के दिन में 3 बार आरती होती है। पहली आरती सुबह 6:30 बजे होगी, जिसे जागरण या श्रृंगार आरती कहते हैं। दूसरी आरती दोपहर 12 बजे होगी, जिसे भोग आरती कहते हैं। और तीसरी आरती शाम को 7:30 बजे होगी, जिसे संध्या आरती कहते हैं। अगर आप अयोध्या के राम मंदिर में आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पास बनवाना होगा। आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास के लिए आईडी प्रूफ होना बेहद जरूरी है। ट्रस्ट के मुताबिक एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो सकेंगे, तो वहीं रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।